अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ है हमारी पहली सब्सक्राइबर इंडिया की, तो हम इनसे आपका तारुफ कराते हैं कि ये क्या करती हैं और ये टर्की में आई हैं और इनका सफ़र कैसा रहा यहाँ। हेलो जी, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है केली सिंह और मैं इंडिया से आई हूँ और मैं पहली दफ़ा टर्की आई हूँ। और आते ही मैंने सोचा कि मैं पहले इनसे मुलाकात करूँ, बिकॉज़ मैं इनकी फर्स्ट सब्सक्राइबर थी। And I really wanted to meet this beautiful family because they are so positive और इतना अच्छा वो मतलब बताते हैं तुर्की के बारे में, pros भी बताते हैं और cons भी बताते हैं जो तमाम यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। तो एक दिल की बात थी, लगाव था, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने इनसे मिलना ही है, अली भाई से मिलना है, पूरे परिवार से मिलना है। सो आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद द फैमिली और मुझे बहुत कुछ उन्होंने बताया तुर्की के बारे में, क्या अच्छा है, क्या चल रहा है, इकोनॉमिक कैसी चल रही है, हर चीज़ें यहाँ की कैसी हैं। और इनका भी वैसे चैनल है, लेकिन आपसे मैं पूछती हूँ, मुझे तो खैर पता है कि आप क्या करती हैं, तो आप इंडिया में क्या काम करती हैं और आप यहाँ पे तो घूमने आई थी, लेकिन हाँ, इंडिया में आपका क्या काम है? देखिए, वैसे तो मैं एक पंजाबी सिंगर हूँ और आई वर्क विद मीका सिंह, ललित मेहंदी, कैलाश खेर, लॉट ऑफ पंजाबी सिंगर्स, आई कोलैबोरेट विद देम। मैं इनके लिए लाइव शोज़ करती हूँ, कॉन्सर्ट्स करती हूँ। सो यहाँ तो मैं घूमने आई थी, वेकेशन भी थी, बिकॉज वेकेशन भी बहुत ज़रूरी है। सो बस इसी घूमते घूमते बस मेरा इनसे रब्ता हो गया। इनका भी चैनल है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी चैनल, लेकिन इंडिया से ये हमारे लिए स्पेशली आई मिलने के लिए। हमें इतना अच्छा लगा इनसे मिल के और इनसे बात करके कि मतलब आपका दिल भी मिलता है और आपके अगर नेचर मिल जाए तो आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, तो ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान मीट्स इंडिया हो रहा है इस टाइम। हाँ, और यकीन मानिए बिल्कुल भी 1% का ना फ़र्क नहीं आया, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दैट शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया, मतलब वो बात ही नहीं, फील ही नहीं हुई, इन्होंने फील होने ही नहीं दिया। इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। अपना टाइम कितनी टाइम निकाला वो मैटर करता है। और फैमिली से भी आप मिली हमारी? बिल्कुल, आई मेट ईच एवरीबडी। इनकी बेटियाँ इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और बेटा माशाल्लाह 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 बहुत सुंदर है और बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका बेटा बहुत सियाना है। बस वो अपने अब्बा जी पे नहीं गया ना, वो अम्मा जी पे चला गया। अच्छा, तो टर्की आई हैं, आपको टर्की का एटमॉस्फेयर और टर्की के लोग और ये सारा जो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ, वो कैसा चेंज लगा यहाँ पे आई तो आप? मैं कहूँगी कि टर्की इट्स अ डेवलप्ड कंट्री बट वेरी एक्सपेंसिव नाउ। अब आप अगर सोचेंगे कि 30 लीरा 40 लीरा तो भूल जाएँ, तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं। इकनॉमिक इनकी बहुत डिफरेंट हो गई है, बहुत मतलब एक्सपेंसिव हो गया है। मतलब यकीन करें कि मुझे भी अब एक्सपेंसिव लग रहा था, मुझे लगा कि यार जो हम वीडियोस में देखते थे या जो यूट्यूबर्स कहते हैं ना कि तुर्की बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, सस्ता नहीं है यहाँ लिविंग, सस्ती नहीं है। आप ये सोच के आए, यहाँ लिविंग सस्ती बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप देख रही हैं कि 100 लीरा 200 लीरा तो मैटर ही नहीं करता ना, 100 लीरा का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ 100 लीरा का, तो आप खाना भी नहीं खा सकते। 200 लीरा का एक मील है, एक बंदे का मील 200 है। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव है। हाँ, और रेंट भी आपने आप तो सारा हाँ, यहाँ पे सर्च करके जा रही हैं। और इनको आप यकीन नहीं करेंगे, इनको इतनी अच्छी लैंग्वेज आती है टर्की, ये इंडिया में बैठ के इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, मैंने ऑनलाइन सीखी है और इनको हमसे ज़्यादा अच्छी आती है। तो जो भी यहाँ पे आए विजिट करने, लैंग्वेज इज द बैरियर, इसलिए नहीं कहा गया, इनको इंग्लिश आती ही नहीं है और इंग्लिश बोलेंगे भी नहीं आपके साथ, उनको पसंद भी नहीं है ना, वो कहते हैं हमारे साथ टर्की में ही बात करो, हमारे वो कहते हैं हमारी टर्किश लैंग्वेज है, आप हमारी लैंग्वेज सीखें और फिर यहाँ आए और फिर हमारे साथ रब्ता करें, हमारे साथ बिजनेस जो करना है करें, बट पहले हमारी लैंग्वेज सीख के। लेकिन आपको लैंग्वेज सीखने का बेनिफिट ये हुआ कि आपके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ? हाँ, मैंने चीज़ें अच्छे से समझी, मेरे को जो बार्गेनिंग वगैरह भी करनी थी तो मैंने अच्छे से बार्गेनिंग भी करी, इनसे बात भी करी, मैंने बहुत बहुत सारे टर्किश लोगों से यहाँ बातें करी और इनके मतलब मैंने नज़रिए जाने कि इनके क्या नज़रिया है लोगों के प्रति। तो वो बात जब आप करते हो, कम्युनिकेशन इज़ द ओनली स्किल एंड इज़ द ओनली वे कि आप जान सकते हो लोगों को, तो ये बहुत ज़रूरी था, ज़रूरी किसी था से बात करने के लिए। अब हमसे कोई हमारी उर्दू हिंदी में बात करेगा हाँ, तो हमको हम अच्छा अच्छे से बात करेंगे ना, बट हाँ, अगर उसको हमारी भाषा ही नहीं आएगी तो हम उससे क्या बात करेंगे। तो टर्किश पीपल आर वेरी काइंड बट दे वेरी मैनिपुलेटिव ऑल्सो बट दे वेरी स्मार्ट ऑल्सो, तो उनकी लैंग्वेज में ही आपको बात करेंगे और उनकी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब जो आने वाले हैं वो हाँ, थोड़ी सी हाउ नाउ टर्की लैंग्वेज की लेके आए, सीख कर सीख के आए, क्योंकि मतलब
ए लैंग्वेज जिसे कहते हैं ना कि इनका ए स्टार्टिंग जो है वो तो आप सीख कर आए ना, अब आप बिल्कुल ही तो उसका फ़ायदा ही हुआ ना आपको। बिल्कुल, कितना फ़ायदा हुआ। अब ये बसेस वगैरह में ट्राम में ट्रैवल कर रही हैं बड़ी आसानी से, आराम से। हाँ, और मतलब मैंने पूरा अपने जो 15 दिन निकाले हैं वो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकाले हैं, एंड मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर मेरे को कहीं में अड़चन आ रही थी तो मैं इनके वहाँ पे जो गुमेलिक बने हुए हैं स्टॉप्स इनके, जहाँ पे इनके पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो मैं उनसे पूछती थी जाके, तो उनकी लैंग्वेज में ही अगर मैं बात करूँगी तो वो मुझे बता पाए। उनको भी इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती पुलिस को भी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। हाँ, हाँ, हाँ। वो आपको अपनी भाषा में बोल देंगे, अब आपको पता नहीं होगा तो आप फंस गए, फंस गए। तो अब कैसे, मतलब फिर आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, और खुदा ना खास्ता आपके पास अगर वाईफाई नहीं है, नेट नहीं है, तो आपको कहीं की नहीं है। तो थोड़ी लैंग्वेज सीख कर आए यहाँ पर अगर आपको यहाँ आना है। और यहाँ जॉब्स का तो मैं नहीं मानती, वो हमने आपको पहले ही गाइड कर दिया था। इनका बड़ा प्लान था कि मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, तो अली ने इनको 4 साल पहले, मेरा ख्याल 3 साल पहले कह दिया था कि आप यहाँ पे मूव करने का ना सोचे, आए घूमे फिरे इंजॉय करें। और टूरिस्टिक प्लेस, हाँ ट्रूली इट्स अ टूरिस्टिक प्लेस। हाँ, यहाँ पे वही बस सकता है जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास इकोनॉमिक्स अच्छी हो, फाइनेंशियल टर्म्स अच्छे हो। हैंड टू माउथ वाला यहाँ नहीं चलेगा। और दूसरा, जिसको लैंग्वेज आती हो, जो बिजनेस करता हो, जिसका घर से बैठकर भी काम है ना, वो कहीं पे भी रह सकता है, रह सकता है। हाँ। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे आके जॉब करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो अपने अपने देश में बैठ के जॉब कर लें, वो ज़्यादा बेहतर। यहाँ तो वहाँ मतलब मसला हो जाएगा इनके लिए। तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगा घूमने के लिए, हिसाब से घूमने के हिसाब से बहुत अच्छा है, और खाना पीना बहुत अच्छा है, और सब अच्छा है यहाँ पे, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से चलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। थोड़ी समझ भी इस्तेमाल करनी पड़ती है ना, अब लैंग्वेज नहीं आएगी तो समझ भी नहीं आएगी, लैंग्वेज सीख के आएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी 100%। हाँ, नहीं तो बड़ा अच्छा लगा आपसे, आप इतनी दूर से हमारे लिए, आपने इतना टाइम निकाला और आप यहाँ पे आई। नहीं, इन्होंने बहुत टाइम निकाला है, दिस इज़ आवर सेकंड मीटिंग। और मैं बस ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, जिंदगी रही तो दोबारा इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अब इंडिया पाकिस्तान तो हम जा नहीं सकते, ना हम इंडिया जा सकते ना वो पाकिस्तान, तो अब हमने ये सेकंड ऑप्शन ये टर्की की निकाली है मेरे लिए कि चलो खाने में टर्की भी घूमूंगी। हाँ, और एक परिवार हो गया तो परिवार के साथ ही जाऊंगी। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा जरूर मुलाकात होगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इनका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इनको भी लाइक करें। ये हमारे मतलब इंडियन बहन भाई हैं, और हम जितना इनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम पाकिस्तानी दिल के साफ हैं, वैसे ये लोग भी बिल्कुल दिल के साफ होते हैं। तो थैंक यू, आपका चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद बिल्कुल सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।